टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग से ही पता चल रहा है इसमें मल्टीपल क्यूज होंगी। तो दिस एल्गोरिदम इज यूज इन विच प्रोसेस आर इजिली क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये वाला एल्गोरिदम कब यूज़ किया जाता है, जब हम प्रोसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे इंटरेक्टिव प्रोसेस भी हैं सिस्टम में, इंटरेक्टिव प्रोसेस भी होती हैं, बैच प्रोसेस भी होती हैं, किसी स्टूडेंट की प्रोसेस भी होगी, सिस्टम प्रोसेस भी होती हैं। तो अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल टाइप्स की प्रोसेस हैं तो उस केस में हम जो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का यूज़ कर सकते हैं। इन दिस एल्गोरिदम द रेडी क्यू इज़ पार्टीशन इनटू नंबर ऑफ रेडी क्यूज। तो एक सिंगल रेडी क्यू को क्या किया जाता है, मल्टीपल रेडी क्यूज में डिवाइड किया जाता है। द प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइन टू वन क्यू जनरली बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस सच एज मेमोरी साइज, प्रोसेस प्रायोरिटी और प्रोसेस टाइप। तो क्या किया जाता है, रेडी क्यू को मल्टीपल रेडी क्यूज में डिवाइड करके हर रेडी क्यू में एक डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। जैसे सपोज फर्स्ट क्यू जो है वो सिस्टम प्रोसेसेस के लिए हो गई, सेकंड बैच की उसके लिए हो गई, ठीक है, थर्ड फोरग्राउंड प्रोसेसेस के लिए होगी। मतलब जो प्रोसेसेस हैं वो परमानेंटली एक क्यू में असाइन की जाती हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। जैसे हो सकता है कि एक क्यू ऐसी बनी हुई है जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइज़ की प्रोसेसेस हैं उनको स्टोर किया जाए, एक क्यू ऐसी डिवाइड की हुई है, एक क्यू ऐसी बनाई हुई है जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेसेस स्टोर की जाए, एक ऐसी की जाए जिसमें प्रोसेस का टाइप हो। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो हैं प्रोसेसेस जो हैं परमानेंटली एक क्यू में स्टोर की जाती हैं। तो जो भी नई प्रोसेस आएगी तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी वो उस क्यू में उस प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग जो भी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी क्यू होगी उसमें स्टोर कर दी जाएगी। रेडी क्यू हैज़ इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और हर रेडी क्यू का एक सेपरेट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, द रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू फोर रेडी क्यूज। हम सपोज कर रहे हैं एक रेडी क्यू को फोर क्यूज में डिवाइड किया है, एक फॉर सिस्टम प्रोसेसेस, एक फोरग्राउंड प्रोसेसेस। यहाँ पर हमने रेडी क्यू को किस बेसिस पे डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस टाइप, क्योंकि प्रोसेस सिस्टम प्रोसेसेस हो सकती हैं, फोरग्राउंड प्रोसेसेस हो सकती हैं, बैकग्राउंड हो सकती हैं, स्टूडेंट प्रोसेसेस हो सकती हैं, है ना। तो उस केस में फोरग्राउंड प्रोसेसेस मतलब होता है इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, और बैकग्राउंड मतलब जो बैच प्रोसेसेस। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, जिसमें ज़्यादा यूज़र इंटरवेंशन होता है, जिसमें यूज़र जो है इंटरेक्ट कर सकता है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिसमें यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता है, और सिस्टम प्रोसेसेस जो सिस्टम में सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए एग्जीक्यूट करता रहता है वो प्रोसेसेस होती हैं, और स्टूडेंट की प्रोसेसेस होंगी। तो हमारी हम एक सपोज कर रहे हैं कि जो रेडी क्यू है इसे फोर रेडी क्यूज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेडी क्यू में कौन सी स्टोर होंगी प्रोसेसेस, सिस्टम प्रोसेसेस। जो भी सिस्टम प्रोसेस आएगी वो किस में जाएगी, सिस्टम प्रोसेस रेडी क्यू में। जब भी कोई इंटरेक्टिव प्रोसेस यानी कि फोरग्राउंड प्रोसेस आएगी उसको कहाँ स्टोर कर दिया जाएगा, सेकेंड क्यू में। यानी परमानेंटली एक क्यू बना दी गई है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रोसेस, उसको उसी क्यू में उसके करस्पॉन्डिंग क्यू में ही स्टोर करना होगा। तो जब भी बैकग्राउंड प्रोसेस आएगी उसे थर्ड क्यू यानी बैकग्राउंड प्रोसेसेस यानी बैच प्रोसेस क्यू में स्टोर किया जाएगा। जब भी कोई स्टूडेंट प्रोसेस आएगी तो उसे कौन सी क्यू में स्टोर किया जाएगा, फोर्थ क्यू में। तो यहाँ पर सिस्टम प्रोसेस के लिए एक क्यू है, एक फोरग्राउंड प्रोसेस के लिए, एक बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए, एक स्टूडेंट प्रोसेस के लिए। और हर क्यू के ऊपर हम सेपरेट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्लाई हो गया, इसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें राउंड रॉबिन, इसमें शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हर क्यू के लिए अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और हर क्यू की एक प्रायोरिटी होगी दूसरे क्यूज़ के कंपेरिजन में। तो सिस्टम प्रोसेस जैसे उसकी हाइएस्ट प्रायोरिटी होगी, सपोज करो जो सिस्टम प्रोसेस है उसकी हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी है, जो सिस्टम प्रोसेसेस होती हैं उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और जो स्टूडेंट प्रोसेस होंगी उनकी क्या होगी, लोएस्ट प्रायोरिटी। तो हर क्यू की एक प्रायोरिटी होगी। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस ये है, उससे नेक्स्ट फोरग्राउंड है, उसके नेक्स्ट बैकग्राउंड है, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस कौन सी है, स्टूडेंट प्रोसेस। तो ईच क्यू हैज़ एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ओवर लोअर प्रायोरिटी क्यू। हर प्रोसेस की अपनी एक हाइयर प्रायोरिटी होती है लोअर प्रायोरिटी क्यू के कंपैरिजन में। जैसे एग्जांपल, द सिस्टम प्रोसेस क्यू हैविंग द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल, सिस्टम प्रोसेस क्यू की सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी होगी, और स्टूडेंट प्रोसेस क्यू हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सिस्टम प्रोसेस अगर कोई आती है रेडी क्यू में, और अगर वो स्टूडेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो स्टूडेंट प्रोसेस से सीपीयू प्रीएम्प्ट करके किसको दे दिया जाएगा? सिस्टम प्रोसेस को, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी प्रोसेस की, पहले उस क्यू की प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। जब तक उस क्यू की प्रोसेसेस एम्प्टी नहीं हो जाती हैं, वो क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती है, तब तक नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हैं। तो इन दी एबो एग्जाम्पल, नो प्रोसेस इन दी स्टूडेंट क्यू कुड रन अनलेस द क्यू फॉर सिस्टम प्रोसेसेस, फॉरग्राउंड प्रोसेसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस वर ऑल एम्प्टी। तो स्टूडेंट प्रोसेस क्यू में अगर कोई प्रोसेसेस, सभी में अगर प्रोसेसेस हैं, तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी? जो सिस्टम प्रोसेस में होंगी। जब ये क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो फोरग्राउंड प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी, जब ये क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो बैकग्राउंड प्रोसेस की प्रोसेस के क्यू के अंदर जो प्रोसेसेस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और सबसे लास्ट में स्टूडेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। तो जब तक ये प्रोसेस क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक स्टूडेंट प्रोसेस क्यू की प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। या सपोज अगर एग्जीक्यूशन चल रहा है, कोई बैकग्राउंड प्रोसेस आ गई, ठीक है, तो और स्टूडेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, तो स्टूडेंट प्रोसेस से सीपीयू प्रीएम्प्ट करके किसको दे दिया जाएगा? बैकग्राउंड का। और अगर बैकग्राउंड एग्जीक्यूट हो रही थी और फोरग्राउंड की कोई प्रोसेस आ गई, तो बैकग्राउंड वाली प्रोसेस से सीपीयू प्रीएम्प्ट करके किसको दे दिया जाएगा? फोरग्राउंड को। तो स्टूडेंट क्यू की प्रोसेसेस तब तक रन नहीं कर सकती जब तक कि सिस्टम प्रोसेस क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, फोरग्राउंड प्रोसेस क्यू एंड बैकग्राउंड प्रोसेस क्यू सारी एम्प्टी नहीं हो जाती। इफ़ एनी फोरग्राउंड प्रोसेस एंटर दी रेडी क्यू, अगर कोई फोरग्राउंड प्रोसेस यानी इंटरेक्टिव प्रोसेस एंटर हुई है रेडी क्यू में वाइल अ बैकग्राउंड प्रोसेस वॉज रनिंग, ठीक है, और बैकग्राउंड प्रोसेस रन हो रही थी और फोरग्राउंड प्रोसेस आ गई, तो फोरग्राउंड प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है बैकग्राउंड से। तो बैच प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस वुड बी प्रीएम्प्टेड। तो प्रीएम्प्ट हो जाएगी वो बैकग्राउंड प्रोसेस, उससे सीपीयू लेके किसको दे दिया जाएगा? फोरग्राउंड प्रोसेस को। एडवांटेज क्या है? मोर एफिशिएंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सिंस ईच प्रोसेस इज हैंडल्ड एफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। तो बहुत ही एफिशिएंट है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेसेस को हमने डिवाइड किया गया है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंटली हैंडल्ड हो रही हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्रोसेसेस कैन नॉट मूव बिटवीन क्यू दैट प्रोवाइड्स इन फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोसेसेस जो हैं एक क्यू से दूसरी क्यू में मूव नहीं हो सकती हैं परमानेंटली, उन्हें एक ही क्यू में असाइन कर दिया गया है। मतलब हर बार अगर सिस्टम प्रोसेस आएगी तो सिस्टम प्रोसेस क्यू में ही जाएगी, अगर फोरग्राउंड प्रोसेस आई है तो फोरग्राउंड प्रोसेस में ही जाएगी। तो इसकी वजह से ये इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। इफ़ ए प्रोसेस दैट वेट्स टू लॉन्ग टाइम इन ए लोअर प्रायोरिटी क्यू मे कॉज ऑफ स्टारवेशन इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो स्टूडेंट प्रोसेस क्यू में प्रोसेसेस हैं, बट हर बार क्या हो रहा है, उसे हायर प्रायोरिटी के प्रोसेसेस यानी बैकग्राउंड प्रोसेसेस, फोरग्राउंड प्रोसेसेस और सिस्टम प्रोसेसेस आती जा रही हैं, तो हर बार इससे प्रीएम्प्ट करके सीपीयू किसको असाइन कर दिया जाएगा? उनकी हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को। इसका मतलब है स्टूडेंट प्रोसेस को तो सीपीयू असाइन ही नहीं होगा, तो वो इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या हो जाएगी? पोस्टपोन हो जाएगी, वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, और वेटिंग स्टेट में चली जाएगी तो किस में चली जाएगी? स्टारवेशन में, ठीक है। तो जो प्रोसेसेस, इफ़ ए प्रोसेस दैट वेट्स टू लॉन्ग टाइम इन ए लोअर प्रायोरिटी क्यू, तो जो प्रोसेस जो है बहुत टाइम के लिए लोअर प्रायोरिटी क्यू में वेट करती रह जाएगी, वो किस में चली जाएगी? स्टारवेशन में। तो ये जो हैं दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिव्यू करने के लिए नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आया, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग।